मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि एक मिशन पर जा रहे थे। उनमें से कुछ सिपाही ऐसे थे जिन्हें वॉर का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद वहां पर उनका लीडर आता है जो उन्हें उनके मिशन के बारे में बताता है। वो सभी अपने मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। उनका मिशन था कि जर्मन्स के द्वारा लगाए गए टावर को तोड़ना, जो उनके रेडियो सिग्नल्स को रोक रहा था ताकि वो गांव वालों से बात ना कर सकें। वो उन्हें फोर्ड नाम के एक सिपाही से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें कहता है कि अगर मैं मिशन में मारा गया तो तुम इन सभी का ऑर्डर वैसे ही फॉलो करना जैसे मेरा ऑर्डर फॉलो करते हो। थोड़ी ही देर में वो दुश्मन के इलाके में एंटर कर जाते हैं, लेकिन जर्मनी के लोग उन्हें देख लेते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इस हमले में कई सोल्जर्स आसमान में ही मारे जाते हैं और कुछ सोल्जर्स नीचे पैराशूट की मदद से आ जाते हैं। हम एक सोल्जर बॉयज को देखते हैं जो कि एक बड़े से तालाब में गिर जाता है। पानी के अंदर वो पैराशूट की रस्सियों से बंधा हुआ था, लेकिन किसी तरह वो उन्हें काट कर वहां से बाहर निकल आता है। वो देखता है कि उसके सभी दोस्त मारे गए हैं और वो शायद अभी अकेला रह गया है, क्योंकि अब वो दुश्मन के इलाके में था इसलिए अब उसकी जान को खतरा था। लेकिन तभी वो अपने लीडर को देखता है जो कि सिपाहियों के बीच में घिरे होते हैं। वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर फोर्ड आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर हम देखते हैं कि जर्मन सोल्जर्स उनके ऊपर फायरिंग करते हैं जिसके अंदर उनकी मौत हो जाती है। फोर्ड जानता था कि वो सब कितने खतरनाक है, इसलिए वो उनकी नजर में नहीं आना चाहता था। कुछ ही देर बाद वो सभी सैनिक वहां से चले जाते हैं और फोर्ड और बॉयज दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल होती है, हो सकता है कि शायद वो जर्मन सोल्जर्स हों। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो उन्हीं के सिपाही हैं। उनमें से एक सोल्जर के पास एक कैमरा था। फोर्ड नहीं चाहता था कि उसकी बेवकूफी की वजह से उनका मिशन फेल हो जाए, इसलिए वो उसके कैमरे को तोड़ देता है। अब वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उनसे एक किलोमीटर दूर एक गांव था जिसके अंदर शायद वो छिप सकते थे। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते एक सोल्जर का पैर माइन पर पड़ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि गांव अभी भी उनसे एक किलोमीटर दूर था, इसलिए अब उन्हें बहुत संभल के चलना था। थोड़ी दूर चलने के बाद बॉयस नोटिस करता है कि उसे झाड़ियों से कुछ आवाजें आ रही हैं। वो एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में थैला था। वो लड़की भी उन्हें देख लेती है और उनसे बच के भागने लगती है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब वो उसका थैला चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो एक चोर है जो कि सोल्जर्स के बचे हुए सामान को चुराती है। उस लड़की का नाम क्लोए था, क्योंकि वो शायद जानती थी कि माइंस कहां पर लगे हुए हैं, इसलिए वो उन्हें कहती है कि वो उन्हें गांव में सेफली पहुंचा देगी, बस तुम मुझे छोड़ देना। कुछ देर बाद वो सभी क्लोए के घर के पास पहुंच जाते हैं। फोर्ड उनसे पूछता है कि तुम्हारे घर के अंदर कौन कौन है, जिस पर क्लोए उसे बताती है कि उसके घर में एक छोटा भाई और उसकी बूढ़ी माँ है। फोर्ड इसे कंफर्म करने के लिए उसके घर के अंदर जाता है और बॉयज से कहता है कि अगर ये लड़की यहां से भागे तो इसे गोली मार देना। फोर्ड के जाने के बाद क्लोए जोर जोर से शोर मचाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग जग जाते हैं। वो बॉयज को यहां से जाने के लिए कहती है। कुछ ही देर बाद वहां पर जर्मन सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो उसकी तहकीकात करते हैं। बॉयज किसी तरह नीचे के रास्ते होता हुआ अपनी टीम के पास पहुंचता है। कुछ ही देर बाद वहां पर वो लड़की आती है जो उन्हें बताती है कि मुझे शक था कि शायद तुम भी जर्मन्स हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। और वो उन्हें अपने घर के अंदर लेके जाती है जहां पर उसका भाई पॉल भी होता है। वो सभी अपने प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो खिड़की से देखते हैं कि जर्मनी के सोल्जर्स कुछ गांव वालों को गोली से मार देते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। बॉयज उन्हें कहता है कि हमें तब तक मदद नहीं मिलेगी जब तक हम उस टावर को उड़ा नहीं देते, इसलिए हमें सबसे पहले उसे उड़ाना होगा। लेकिन फोर्ड को छोड़कर बाकी सभी उससे डिसएग्री हो जाते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। बॉयज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे चला आता है जहां पर उसे क्लोए के माँ की आवाज आती है। जब वो उनकी कमरे की ओर जाता है तब वहां पर वो उनके आधे जले हुए चेहरे को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है। क्लोए उसके घायल हुए हाथों पर पट्टी लगाती है और उसे बताती है कि कई सालों पहले जर्मन सोल्जर्स ने उसकी फैमिली को मार दिया था और कहते हैं कि जिस टावर को तुम उड़ाने जा रहे हो उसके नीचे एक लैब है जहां पर सैनिकों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। उसकी मदर की ये हालत की वजह भी शायद वो एक्सपेरिमेंट ही है। पर तभी गेट पर उन्हें किसी के खटखटाने की आवाज आती है। सभी लोग घर के अंदर खुद को छिपा लेते हैं। जब क्लोए गेट खोलती है तब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जर्मन सोल्जर्स हैं। उनका लीडर जिसका नाम वेफनर था घर के अंदर आता है और वो क्लोए से बदतमीजी करता है, लेकिन वो उसे पीछे धकेल देती है जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो पूरे घर की तलाशी लें। क्लोए उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन तभी पॉल के हाथ से एक बॉल गिर जाती है। जब सोल्जर्स ऊपर जाते हैं तब वहां पर पॉल होता है। वो सभी सोचते हैं कि ये बॉल शायद उसने गिराई होगी, इसलिए वो आगे तलाशी नहीं लेते। वेफनर सभी सैनिकों को ऑर्डर देता है कि वो बाहर उसका इंतजार करें और वो अंदर क्लोए से एक बार फिर से बदतमीजी करता है। बॉयज सब कुछ देख रहा होता है और वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन फोर्ड उसे कहता है कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन वो फोर्ड की बात नहीं मानता और वेफनर के सिर पर अपनी गन रख देता है। फोर्ड बॉयज से कहता है कि तुमने इस लड़की को तो बचा लिया, लेकिन अब हमारा मिशन खतरे पर है। वो उसकी तलाशी लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। बॉयज उस टावर को देखने के लिए आता है जिसे उसे उड़ाना था। वहां पर वो देखता है कि कुछ सैनिक टावर के अंदर से कुछ डेड बॉडीज को ला रहे हैं जिसे वो लोग जला देते हैं। उन बॉडीज को जलता हुआ देख वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है।
इसके बारे में फोर्ड को इन्फॉर्म करने के लिए वहां से निकलने लगता है, लेकिन रास्ते में उन्हें सैनिकों का ट्रक मिलता है जिससे बचने के लिए वो घास के अंदर छिप जाता है। ट्रक वहां से चला जाता है, लेकिन बॉयज नोटिस करता है कि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक डॉग है। उससे बचने के लिए बॉयज वहां से भागता है और उसी ट्रक के अंदर चला जाता है जहां पर उसके साथियों की लाश थी जो हमले के अंदर मारे गए थे। लेकिन अब वो ट्रक उसी आर्मी बेस के अंदर जा रहा था जहां से उन्हें बच के निकलना था। दो सोल्जर्स उस ट्रक के पास आते हैं और सभी डेड बॉडीज को अंदर ले जाते हैं। बॉयज मरने की एक्टिंग करता है और मौके का फायदा उठाकर वो उस ट्रक से बाहर निकल आता है और उनके बेस के अंदर एंटर कर जाता है। बॉयज बहुत घबराया हुआ था क्योंकि अब उसकी मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। उस बेस के अंदर एक दीवार थी जिसके अंदर छोटा सा होल था। अपने पास कुछ लोगों को आता हुआ देख बॉयज वहां पर छिप जाता है। फिर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस होल के अंदर कुछ जांच करता है। उनके जाने के बाद जब वो उस होल के अंदर झांकता है तब वहां पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो आगे बढ़ता रहता है और फाइनली एक लैब के अंदर पहुंचता है जहां पर उसे बहुत सारे केमिकल्स दिखाई देते हैं। वो अपने सामने लटके हुए एक बैग की चेन खोलता है जिसके अंदर से एक आदमी का सिर बाहर आता है। वो उस आवाज को फॉलो करता है और उसे पता चलता है कि वो आवाज एक कटे हुए सिर से आ रही है जिसके अंदर अभी भी जान थी। वो उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। उस लैब के अंदर उसका एक साथी सैनिक भी था जिसके ऊपर अगला एक्सपेरिमेंट होने वाला था, लेकिन वो उसे बचा लेता है। बॉयज उसकी हेल्प कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर साइंटिस्ट आ जाते हैं जो वहां पर पड़ी हुई डेड बॉडीज को एग्जामिन करते हैं और उन्हें शायद एक फ्रीजर में डाल देते हैं। बॉयज उस सोल्जर को वहां से बाहर निकालता है, लेकिन शायद अब सभी को पता चल चुका था इसलिए वो सभी एक गटर से होते हुए वहां से बाहर निकल आते हैं। क्योंकि बॉयज अभी तक नहीं आया था इसलिए सभी डिस्कस कर रहे थे कि शायद उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन तभी वहां पर बॉयज आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपने साथ उस सैनिक को भी लेके आया था। वो उस टावर के अंदर होने वाले एक्सपेरिमेंट और सीरम के बारे में बताता है। फोर्ड उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो वेफनर से पूछता है कि उस टावर के नीचे क्या है और वहां पर किस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, पर वो अपनी आर्मी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता। पूछताछ के दौरान क्लोए एक नुकीले चाकू से उसकी छाती पर वार करती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। फोर्ड उसके हाथों को रस्सी से बांधकर लटका देता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है, पर बॉयज को ये तरीका बहुत ही गलत लगता था इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है। फोर्ड उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है कि तहकीकात इसी तरह की जाती है। वो इसके इस तरह के बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा नाराज था इसलिए वो नीचे आता है, जहां पर वो क्लोए को बताता है कि 3 हफ्ते पहले वो एक माली था, लेकिन अचानक से ही उसके पास एक खत आया जिसमें लिखा था कि उसे तुरंत ही सेना को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉयज बहुत ही साफ दिल का था और उसे लड़ाइयाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो सभी प्लान बनाते हैं कि किस तरह वो अंदर जाएंगे। एक सोल्जर वेफनर को लेने के लिए ऊपर जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि टॉर्चर की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन जब सोल्जर उसके पास जाता है तो वो उसकी गन को उठाकर उसी के ऊपर फायरिंग कर देता है। गन्स की आवाज सुनकर वो सभी ऊपर आते हैं और देखते हैं कि उनका सैनिक घायल है। वो वेफनर को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि सोल्जर को गोली लग गई थी इसलिए उसकी मौत हो जाती है। उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बॉयज लैब के अंदर से लाए हुए इंजेक्शन को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है और कुछ ही देर बाद उसको होश भी आ जाता है और उसके घाव बहुत ही तेजी से भर रहे थे। फोर्ड उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, जिस पर वो उसे कहता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है, पर क्योंकि अभी भी उस केमिकल की टेस्टिंग चल रही थी इसलिए उसके ऊपर अब साइड इफेक्ट होने लगा था। उसकी नसें बाहर आने लगी थी और वो अपना आपा खो चुका था। उसकी गर्दन पूरी मुड़ जाती है और टूट जाती है। वो धीरे धीरे पागल होने लगता है और उनके पास अब कोई चारा नहीं था इसलिए वो उसे शूट करके मार डालते हैं। उन्हें लगता था कि शायद वो मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा से उठ जाता है और उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार बॉयज उसे मार डालता है। मौके का फायदा उठाकर वेफनर पॉल को लेकर घर से बाहर आ जाता है। अब जर्मन सोल्जर्स को सब कुछ पता चल चुका था इसलिए उन दोनों के बीच में फायरिंग होती है। फायरिंग में कई जर्मन सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन वो सभी पॉल को नहीं बचा पाते। फोर्ड उन्हें कहता है कि अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है अपना मिशन पूरा करने के लिए, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। बॉयज उसे कहता है कि हमें पॉल को भी बचाना होगा, लेकिन फोर्ड उसे कहता है कि अगर हम उसे बचाने के लिए जाएंगे तब हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। पर एक लंबी बहस के बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो पॉल को भी बचाएंगे। हम वेफनर को देखते हैं जो कि उस लैब के अंदर पड़े हुए सीरम को ले लेता है। साइंटिस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। शायद फायरिंग के दौरान उसके चेहरे पर एक गोली लग गई थी, पर सीरम का असर उसके ऊपर होने लगा था। क्लोए अपने घर के बाहर आती है और उसे एक जर्मन सोल्जर देख लेता है। वो उसका पीछा करता है और फाइनली उसे पकड़ भी लेता है, पर ये सब उन्हीं की चाल थी। वो उसके हाथ पैर को बांधकर टावर के अंदर भेजते हैं। उसके मुंह पर एक बड़ा सा टेप लगा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता था, इसलिए वो उसके मुंह से टेप हटाते हैं जिसकी वजह से बॉम्ब की पिन खिंच जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। वो सभी टावर के अंदर आते हैं। फोर्ड उसे कहता है कि हम सबसे पहले अपने मिशन को पूरा करेंगे, उसके बाद पॉल को बचाएंगे, पर क्लोए को ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता इसलिए वो अपने भाई को बचाने के लिए अकेले ही जाती है। आगे जाकर उसे 2 सोल्जर मिलते हैं जिनसे वो अपने भाई के बारे में पूछती है, पर उनमें से एक उसकी बात को सीरियस नहीं लेता,
इसलिए वो उसके ऊपर शूट कर देती है। दूसरा सोल्जर उसे एक गेट के पास लाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा भाई इसके अंदर है। जब वो उस गेट को खोलती है तो वहाँ पर उसे कुछ कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। वो सोल्जर गन से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर बॉयज आ जाता है और उसे बचा लेता है। लैब के अंदर फाइनली वो पॉल को ढूंढ लेते हैं। क्लोए बॉयज को छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहती थी, पर वो उसे जाने के लिए कहता है और उसे दिलासा देता है कि मिशन पूरा होने के बाद वो जरूर आएगा। क्लोए और उसका भाई वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक म्यूटेंट उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये वही म्यूटेंट था जिसे गलती से उन्होंने आजाद कर दिया था। वो क्लोए का गला दबाकर उसे मार ही रहा होता है, लेकिन क्लोए उसे एक गन से शूट कर देती है, पर अभी भी उसकी मौत नहीं हुई थी। वो क्लोए का पीछा करता है, लेकिन क्लोए एक फायर गन से उसे जलाकर मार डालती है। फिर हम फोर्ड को देखते हैं जो कि टावर के अंदर बॉम्ब लगा रहा था, पर वहां पर वेफनर आ जाता है और उसके लगाए हुए टाइमर को तोड़ देता है। अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसके हाथों को भी तोड़ देता है। बॉयज लैब के अंदर आता है क्योंकि वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन वहां का साइंटिस्ट उसे ऐसा करने से रोकता है। उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन बॉयज उसे मार डालता है। फिर हम पॉल को देखते हैं जो कि अपने गांव पहुंच गया था, लेकिन वहां पर फायरिंग चल रही थी और वो फायरिंग के बीच में था। सोल्जर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसे एक गोली लग जाती है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। लैब के अंदर हम फोर्ड को देखते हैं जिसे वेफनर एक नुकीले हुक के ऊपर लटका देता है। वो हुक उसकी बॉडी के आर पर चला जाता है जिसके अंदर उसे बहुत दर्द होता है। वेफरर उसे कहता है कि जो सीरम हम बना रहे हैं वो फ्रांस की धरती पर बहुत सालों से मौजूद है, लेकिन इसकी खोज जर्मन्स ने की क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन वहां पर बॉयज आ जाता है और उसके ऊपर फायरिंग कर देता है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन क्योंकि वेफरल बहुत पावरफुल था इसलिए वो उसे बहुत मारता है। फोर्ड को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह अपनी बॉडी को उस हुक से बाहर निकालता है और अपने पास पड़े हुए सीरम को ले लेता है। वो बॉयज को पानी के अंदर डुबो के मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर फोर्ड एक बहुत बड़ी रॉड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। उन दोनों के बीच में इस बार बराबर की फाइट होती है। फोर्ड उसके पास एक छोटे से सिलेंडर को धकेलता है जिस पर बॉयज फायरिंग कर देता है और उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। वो दोनों टावर से बाहर आने लगते हैं, लेकिन फोर्ड खुद को अंदर लॉक कर लेता है। वो बॉयज से कहता है कि मैं सभी बॉम्ब्स के अंदर टाइमर नहीं लगा पाया था, इसलिए ये काम तुम्हें करना है और इस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ा दो और मैं इन सभी को यहीं पर रोके रखूंगा। बॉयज दोबारा से उस टावर के अंदर जाता है और टाइमर को सेट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वेफरर अभी भी जिंदा था और बाकी सोल्जर्स को भी होश आ जाता है। लेकिन फोर्ड अपने पास से एक बहुत बड़ा डायनामाइट निकालता है जिसके ब्लास्ट से सभी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉम्ब का टाइमर खत्म हो जाता है और धीरे धीरे कर एक एक बॉम्ब फटने लगते हैं और पूरा टावर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन बॉयज अपनी जान को किसी तरह बचाते हुए टावर से बाहर आ जाता है। उस टावर के ब्लास्ट होने से गांव में अब सिग्नल आने लगा था और कुछ ही समय के अंदर वहां पर आर्मी भी आ जाती है। सभी लोग फोर्ड के बारे में पूछते हैं, लेकिन बॉयज उन्हें बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है। उनका ऑफिसर उनसे पूछता है कि तुम टावर को ऊपर से भी उड़ा सकते थे, फिर तुमने उसे नीचे से क्यों उड़ाया। बॉयज उसे कहता है कि अगर हम ऐसा करते तो शायद हम बच नहीं पाते, और वो इस मिशन की पूरी कामयाबी का श्रेय फोर्ड को देता है। ऑफिसर उससे पूछता है कि हमने सुना है कि उसके नीचे एक लैब भी है, क्या तुमने वहां पर कुछ देखा जो हमारे काम का हो। लेकिन बॉयज नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में पता चले, इसलिए वो अपने ऑफिसर से झूठ बोलता है कि उस मलबे के नीचे कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।